हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कॉम स्कॉलर आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि टाइम वैल्यू मनी जो कि एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर रियल रियल लाइफ बेस्ड आल्सो बिकॉज हम डेली लाइफ में बहुत सारे जो है डिसीजन लेते हैं लाइक इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसिस इन द टर्म्स ऑफ इनकम इन द टर्म्स ऑफ सेविंग्स तो टाइम बाय द टाइम देखिए उसकी मनी वैल्यू देखा आपको पता है कि मनी की वैल्यू जो है वो जो है डाउन होती रहती है बिकॉज ऑफ़ द इन्फ्लेशन रेट तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन हाइट रेट हाई होता रहता है तो परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है इंडिविजुअल की तो इंडिविजुअल के लाइफ में एक ना एक ऐसा फेज आता है जहाँ पर उसको एक फाइनेंशियल टर्म में यानी कि मनी टर्म में उसको डीजल लेने पड़ते हैं कि आगे जाके वो अगर इतना सेव करे या उसको कोई बहुत बड़ा खर्चा करना है तो आने वाले जो उसको खर्चे हैं ना वो उसको मैनेज में, में, कैसे करें तो इसी को बोलते हैं हम टाइम वैल्यू मनी वैसे देखिए ऑल दो हम जो भी हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एंड फाइनेंशियल में, में, में जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी और, और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉरपोरेट वर्ल्ड बट टाइम वैल्यू मनी ऐसा नहीं सिर्फ कंपनी में लागू होता है ये इंडिविजुअल में भी होता है राइट तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि टाइम वैल्यू मनी को हम इजी इजी तरीके से या उसकी कैलकुलेशन कितना इजी बनाए विद दी हेल्प ऑफ कैलकुलेटर राइट सो देखते हैं देखिए इसके बेसिकली चार कंसेप्ट हैं जैसे देखिए पी वी एफ दैट इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फिर है प्रेजेंट वैल्यू एन फैक्टर फिर है आपका फ्यूचर वैल्यू एंड देन लास्ट वन वी है फ्यूचर एन्यूटी वैल्यू पहले हम जो तो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ये दो कंसेप्ट यानी कि फ्यूचर वैल्यू एंड फ्यूचर एन्यूटी वैल्यू तो देखते हैं पहले फ्यूचर वैल्यू होता क्या है यानी कि कंसेप्ट बहुत आता क्या है मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रो सुनाता हूँ जैसे मान लीजिए मान लीजिए अगर आपके हाथ में सपोज टेन लाख रुपीज हैं आपके बैंक अकाउंट में समझिए टेन लाख रुपीज हैं and you have decided to park this much amount towards FD towards FD that means on fixed deposit and suppose if I take the current scenario the FD rates. It's basically going on suppose on and around 6% per annum right and you have invested money for how long? suppose for 5 years right एंड इफ़ आई आस्क यू that हाउ मच अमाउंट विल यू गेट आफ्टर 5 years? तो आप क्या करोगे क्योंकि ये कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा तो आप क्या करोगे 10 लाख अगले साल बाद 6% इसमें ऐड करोगे फिर जो अमाउंट आएगा फिर उसमें 6% परसेंट ऐड करोगे फिर जो अमाउंट आएगा फिर उसमें 6% परसेंट ऐड करोगे ऐसे ही करोगे ना So सो ये तो चलो आप बिकॉज देखिए अमाउंट जो फिगर है वो कोई दिक्कत नहीं है इजी कर लोगे ये भी देखिए ठीक है बट इसको मैं इजी कैलकुलेटर देखो कैसे बना सकते हैं ये आप कैलकुलेटर से आप बहुत आसानी से आसानी से कर सकते हो बहुत इसका शॉर्ट टक शॉर्ट ट्रिक्स है इसको बहुत ध्यान से देखना है तो देखिए इसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने एक ये बॉक्सेस बनाए हुए हैं आपको ये सारे स्टेप्स जो है फॉलो करने हैं फॉलो कैसे करने देखिए यहाँ पर जैसे देखिए मैंने बॉक्स में क्या लिखा हुआ है देखिए वन फिर लिखा हुआ है डेसिमल ऑफ ए परसेंट मतलब क्या करना है आपको कैलकुलेटर में किस तरह से क्या क्या बटन आपको प्रेस करने हैं तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका दैट इज सिक्स परसेंट राइट टाइम कितना है आपका दैट इज फॉर फाइव ईयरस मेनली आपको जब भी कैलकुलेटर यूज करना है कैलकुलेटर यूज करना है तो आपको दो ही फैक्टर पर करना है टाइम राइट ऑब्वियसली देखिए टाइम वैल्यू मनी यही दो फैक्टर पर डिपेंडेंट है एक तो टाइम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देखिए आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है दैट इज पर एनम एंड द टाइम वैल्यू इज दैट इज टाइम ड्यूरेशन कितना है दैट इज फॉर तो देखिए आपको करना है कैलकुलेटर से कैसे करना है देखिए यहाँ पे ये स्टेप पर को जी यहाँ लिखा हुआ वन यानी कि आपको प्रेस करना है वन कैलकुलेटर में देखिए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप इसको कैलकुलेटर करो अच्छा अगर मैं कैलकुलेटर की बात करूँ तो आप देखिए हमेशा जो है सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करो बिकॉज देखिए हम जो बात यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ फाइनेशियम में ये चाहे बी कॉम प्रोग्राम हो बी बी हो या क्या नाम है बी कॉम ऑनर्स हो ये ग्रेजुएट लेवल पे जब भी आप एग्जामिनेशन में बैठते हो तो वहाँ आप पर आपको सिंपल कैलकुलेटर ऐड होगा राइट एंड जब भी सिंबल कैरेक्टर यूज़ करो तो, तो याद रखना इसमें मिलने ये बटन या जो फंक्शन होने कंपलसरी है एक तो आपका है दैट इज कॉल्ड जीटी, टी दैट इज कॉल्ड ग्रोस टोटल देन आपके पास होना चाहिए दैट इज कॉल्ड मेमोरी प्लस दैट इज मेमोरी एडिशन मेमोरी सब्ट्रैक्शन एंड देन एम आर सी दैट इज मेमोरी रिकॉल ऑल राइट वैसे देखा जाए तो ये जो चार फंक्शन ये जो तीन फंक्शन हैं जो ये तीन लिखे हैं इसका यूज बेसिकली कम होता है बट वैन वी यूज वैन वी आर बेसिकली कैलकुलेटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वैल्यू सो हमें ये यूज़ करना चाहिए कि मेमोरी को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं जब आप इसका कैपिटल बजटिंग का जब आप डिसीजन uh, मेकिंग जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये आना चाहिए राइट right? तो अभी तो देखिए मेनली मैं आपको जो है जी टी हाँ ये बता दूंगा कि जी टी कैसे यूज़ करते हैं वो आपको ध्यान से देखना है चलिए अब आते हैं फीचर वाले है के उसको हम कैलकुलेटर से कैसे यूज करें तो जैसे क्या बोलना देखिए मैंने कैलकुलेटर पर आप करो सिंपल कैलकुलेटर पर आप वन प्रेस करो वन उसके बाद आपको करना है प्रेस डेसिमल डेसिमल प्रेस करने के बाद आपको देखिए ऑफ इंटरेस्ट कितना आपको करना है? जीरो सिक्स प्रेस करना है जीरो सिक्स राइट जीरो इसके बाद करना है आपको प्रेस करना है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्रेस करना है आपको राइट right. इसके बाद देखिए आपका टाइम पीरियड कितना है दैट इज़ फॉर फाइव ईयर्स दैट इज़ फॉर फाइव ईयर्स तो म, आपको जो है इक्वल्स टू कितनी बार प्रेस करना है वन टू थ्री फोर फोर टाइम्स वन टू थ्री फोर फोर टाइम्स बाप उचो सर हमारा तो ये फाइव ईयर्स था आपने इक्वल्स टू फाइव टाइम्स क्यों नहीं प्रेस किए देखिए जब आपने वन पॉइंट जीरो सिक्स आपने टाइप किया ना अपने कैलकुलेटर में तो ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई था कि ऑलरेडी वन ईयर काउंट हो गया आपने सपोज वन ईयर वन रुपी आपने आपने इन्वेस्ट किए एक साल बाद कितना हो गया वन पॉइंट ज़ीरो सिक्स तो वो एक साल ऑलरेडी काउंट हो गया फिर इसके बाद ये कितना हो गया टू थ्री फोर फाइव राइट अब देखिए आपकी वैल्यू कैलकुलेटर में आई होगी वन पॉइंट थ्री थ्री एट टू याद रखना जब भी आप टाइम वैल्यू निकालोगे तो हमेशा जो है फोर डिजिट तक आप उसको वैल्यू जो है उसको नोट करना तो कितनी वैल्यू वन पॉइंट थ्री थ्री एट टू राइट इसको आप देखो टेबल से भी थ्रू कर सकते हो अगर आपको एग्जाम में टेबल की होना तो टेबल के थ्रू भी कर सकते हो अब आप टेबल भी देख सकते हो देखो, देखो प्रेजेंट वैल्यू की देखिए प्रेजेंट वैल्यू के टेबल भी दे सकते हो सिक्स परसेंट के हिसाब से फॉर फाइव इयर्स तो देखिए वैल्यू कितनी आ रही है आपकी अच्छा सॉरी सॉरी हमें तो फ्यूचर वैल्यू देख रही है सॉरी सॉरी आई एम सॉरी फ्यूचर वैल्यू फॉर फाइव ईयर्स देखिए वैल्यू कितनी आ रही है सिक्स परसेंट के हिसाब से देखिए वही आ रही है वन पॉइंट थ्री थ्री एट टू देखिए कैलकुलेटर से कर यही वैल्यू रही आप देखिए मैंने वही लिखी थी वन पॉइंट थ्री थ्री एट टू यही आ आपकी अब आपको आंसर कैसे निकालना है सिंपली कुछ नहीं करना है आपको देखिए आपने अमाउंट कितना किया था रुपीज टेन लैख मल्टीप्लाई करना है आपको दिस मच वैल्यू से वन पॉइंट थ्री थ्री एट टू तो बस मल्टीप्लाई कर देना एंड देन यू विल गेट दस दैट इज थर्टीन लैख थर्टी एट थाउजेंड सॉरी थर्टी एट थाउजेंड टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव that means after 5 years this much amount you will get as per 6% per annum right so this is the way of calculating future value with the help of calculator aap koi bhi value lena mai bol raha hu suppose agar aapko agar maan lijiye agar aap 15% ho maan lijiye agar aapne share market invest kiya अब आपके जो expected जो return है suppose मान लीजिए फिफ्टीन per annum है अब आपने बोला suppose मेरे पास जो है दो लाख रुपए हैं ठीक है ठीके? और मुझे हर साल मान लीजिए पंद्रह परसेंट के हिसाब से मुझे मुझे कमाना चाहता हूँ तो आप बोल रहे कि सर पाँच साल पर मुझे कितना अमाउंट मिलेगा कुछ नहीं करना है करना है वन पॉइंट वन पॉइंट वन फाइव हो जाएगा यहाँ पर आप वन पॉइंट वन फाइव मल्टीप्लाई ये एक साल हो गया मल्टीप्लाई प्रेस करते हैं कि एक साल हो गया फिर फाइव फाइव ईयर्स है ना आपका ये फाइव ईयर्स है तो फाइव ईयर्स से क्या करना है आपको यादमी वन हो गया ये इक्वल्स टू प्रेस करा टू थ्री फोर फाइव तो बस देखिए आपकी वैल्यू कितना है कि वन पॉइंट जीरो फाइव मल्टीप्लाई बाय टू थ्री फोर फाइव सो दैट मीन्स आपके अमाउंट कितना है दैट इज़ टू पॉइंट जीरो वन वन थ्री दैट मीन्स आफ्टर फाइव ईयर्स आपके अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा देखिए आप मल्टीप्लाई करोगे टू लैख मल्टीप्लाई बाय टू पॉइंट ज़ीरो जीरो दिस मच अमाउंट सो दैट मीन्स यू विल गेट फोर लैक टू ट्वेंटी टू थाउजेंड सेवेंटी वन सॉरी फोर लैख टू थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी वन अब इसकी वैल्यू देखिए आप टेबल से भी आप इसी को कह सकते हो देखो फिफ्टीन परसेंट के हिसाब से फोर फाइव ईयर्स yes. देखिए वैल्यू कितनी है टू पॉइंट वन वन फोर देखिए वही वैल्यू जी आपकी है देखिए वही आएगी आप आपकी ठीक है तो इसको आप इजी कैलकुलेट कर सकते हो सो दिस इज़ द वे ऑफ कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू राइट चलिए ना इज कॉल्ड फ्यूचर एन वैल्यू पहले इसका मतलब समझते हैं क्या मतलब बोला हुआ कि फ्यूचर एनिटी वैल्यू का मतलब क्या है देखिए जब भी एनिटी वर्ड आ जाए ना इसका मतलब है आप जो है सेम अमाउंट आप बार बार यूज कर रहे हो यानी हर साल सर मतलब जैसे ऊपर हमने जो अमाउंट लिया था दैट इज़ आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो वो वन टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो क्या जरूरी है आप क्या एक एक टाइम इन्वेस्ट करो रहे हो सकता है आप जो है हर साल को वही सेम अमाउंट आप डाल रहे हो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था फॉर एग्जाम्पल सपोज़ शेयर मार्केट का मैं बोल रहा हूँ सपोज अगर आप जो है म्यूचुअल फंडस में इन्वेस्ट कर रहे हो कितना अमाउंट सर फाइव लैक ये आप हर साल इन्वेस्ट कर रहे हो हर साल ठीक है तो पाँच लाख यानी कि एक साल फिर फाइव लैक टू ईयर्स ऐसे करते सपोज मान लीजिए मैं सिक्स ईयर्स का एग्जाम्पल लेता हूँ टिल सिक्स एंड आपका मान लीजिए रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है सपोज पर नाम के से. अब आप सोचो कि आफ्टर सिक्स ईयर्स हाउ मच अमाउंट यू विल गेट है ना देखिए काफी इंटरेस्टिंग दैट मीन्स फ्यूचर एन नीटी देट मीन्स एक ही अमाउंट आप बार बार इन्वेस्ट कर रहे हो एंड आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट करते हैं दैट so मींस अब आप छह साल बाद आपको कितना अमाउंटिव अमाउंट कितना मिलेगा तो जब भी ऐसा आए तो आपको क्या यूज करना है फ्यूचर एनिटी वैल्यू ठीक है तो इसके लिए देखिए आपको कैश आप वन पॉइंट परसेंट यानी कि वन पॉइंट वन फाइव मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ये पूरा साल कितना हो गया एक साल हो गया ठीक है फिर टू थ्री फोर अच्छा यहाँ पर मैंने सिक्स लिया तो इक्व टू ए को प्रेस करना है फाइव मैं आपको बता देता हूँ देखिए वन पॉइंट वन फाइव मल्टीप्लाई वन टू थ्री फोर फाइव फाइव टाइम्स प्रेस करेंगे फाइव टाइम्स प्रेस करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आपके हाथ में वो कितना है कि टू पॉइंट टू पॉइंट जीरो वन वन फोर ये आपके हाथ में वैल्यू है इसका अभी आप क्वेश्चन करना है ध्यान रखना ये प्रेस करने के बाद अभी आपको कुछ में करना है कैलकुलेटर में ये वैल्यू आपके हाथ में आ गई इसके बाद आपको करना है प्रेस करना है जी टी यानी कि जो भी अब तक वैल्यू आई है उसका आपको ग्रोस टोटल करना है जैसे आप ग्रोस टोटल करोगे आपके हाथ में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सिक्स पॉइंट सिक्स जीरो थ्री सेवन ये वैल्यू आएगी आपके कैलकुलेटर में इसके बाद आपको क्या करना है ऐड करना है इसमें कितना वैल्यू टू 2.15 सो so, आपके हाथ में वैल्यू कितना सर आपने ये क्यों एड किया टू तो हम इसलिए हम ऐड करते हैं क्योंकि देखिए ये अमाउंट बार बार रिपीट हो रहा है तो इसलिए हम टू ऐड करते हैं लेकिन पॉइंट फाइव का यहां पर ये का है आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लीजिए सिक्स परसेंट तो कहते हैं टू पॉइंट जीरो से लेते हैं ट परसेंट होता तो टू पॉइंट इलेवन परसेंट होता तो टू पॉइंट ठीक है फाइव परसेंट होता तो टू पॉइंट जीरो फाइव लिखते तो इसको करते हैं स्टेप वही सेम रहेगा बट इसकी वैल्यू इस तरह चेंज होगी कितना आपका रेट ऑफ़ इंटरेस्ट है सो देखिए फाइनल फिगर आप कहते हैं दैट इज सेवन बस अब आपको कुछ नहीं करना आप हर साल कितना रुपीज फाइव लैक अब आपको ये मल्टीलाय करना है एट पॉइंट सेवन फाइव थ्री सेवन सो मल्टीप्लाई बाय फाइव लैख दैट मीनस आपके हाथ में वैल्यू कितनी आएगी 6 साल बाद फोर्टी थ्री लैख सेवेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड एंड इट आपको देख सकते अपने 5 साल इन्वेस्ट किया 6 साल तक सो so, आपकी ओवरऑल वैसे इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है तीस लाख बट आपको कंपाउंडिंग मिल रहा है फिफ्टीन परसेंट पर है ना? तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो 6 साल बाद अमाउंट कितना मिलेगा दैट इज फोर्टी थ्री लैख सेवेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी राइट तो हमेशा करना जब भी फ्यूचर एन देखोगे एनसिटेशन मैं एक एग्जाम्पल एक 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 लेता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए जैसे मान लीजिए आपके पास आप जो हर साल मान लीजिए आप सेवन लाख रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हो सेवन लाख सपोज फॉर एट ईयर्स सपोज फॉर एट ईयर्स एंड आपका मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज अभी है बीस परसेंट बढ़ा चलो अब आपसे पूछें कि कि आपको अब क्या आठ साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा तो कुछ नहीं करना आपको प्रेस करना सब मतलब वही वन पॉइंट परसेंट कितना है ट्वेंटी है वन पॉइंट टू वन पॉइंट टू मल्टीप्लाई ये एक साल हो गया एक साल हो गया इक्व टू कितने टाइम प्रेस करना है? देखो एट टाइम जब भी एनुटी है ना तो आपको एक एक इक्व टू एक, एक कम प्रेस करना है आपको कैसे जैसे कि वन हो गया टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन तक हो गए एट तक के लिए आपको इक्वल टू प्रेस ही करना है इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्या करना आपको जी टी प्रेस करना है जी में जब आप ऐड करोगे तो ऐड करना है आपको टू पॉइंट कितना टू पॉइंट टू आगे कितने ट्वेंटी परसेंट तो टू पॉइंट टू ये हो गया आपका आठवा साल बस इसके बाद जो वैल्यू आएगी हुएगी आपकी वाके फाइन फिगर होगी तो देखिए क्या होगी वो की वन पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाय टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन जी टी प्रेस किया टू पॉइंट टू इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आई है दैट इज सिक्सटीन पॉइंट फाइव सिक्सटीन पॉइंट फाइव सो दैट मीन्स सेवन लैक मल्टीप्लाई बाय सिक्सटीन पॉइंट फाइव अब इसको देखो टेबल वैल्यू टेबल में देख सकते हो तो इसके देखो क्या करना है आपको ये वाली टेबल देखने में ये जो टेबल है ये मैं अपलोड कर दूंगा आप देख लेना इसकी यहाँ पर देखिए ये देखिए एन यू टी टेबल देखने आपको तो देखिए ट्वेंटी परसेंट के लिए आपको ध्यान यहाँ जाना है ये देखिए ये यहाँ आपका आठ साल का देखिए वाली कितनी है सिक्सटीन पॉइंट फाइव देखिए वही आपकी वही वाली आपकी ठीक है तो बस इसको मटलै कर देना आप सेवन लैक्स से सो दैट मीन्स कितनी बल्ली बनेगी आपकी वन करोड़ फिफ्टीन लाख फिफ्टी थाउजेंड वन करोड़ फिफ्टीन लाख फिफ्टी थाउजेंड यानी कि सात लाख अगर आप हर साल इन्वेस्ट करोगे कब तक आठ साल तक और आप अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटॉबिटन कितना है बीस परसेंट है तो यानी कि आठ साल बाद आपके हाथ में वैल्यू कितनी होगी वन करोड़ फिफ्टीन लाख फिफ्टी थाउजेंड राइट सो दिस इज द वे ऑफ ऑफ कैटी फ्यूचर वैल्यू एंडी टेबल ओके चलिए अभी हमने दो कंसेप्ट प्र कर लिया ना कमिंग टू नेक्स्ट दैट इज प्रेजेंट वैल्यू बिकॉज देखिए जब तक आप फ्यूचर को नहीं समझते प्रेजेंट नहीं समझ बेस बिकॉज कुछ नहीं है बट आप, आप रिवर्स ऑर्डर में आओगे वैसे पहले अब बात करते हैं पीवीएफ देखिए पीवीएफ का मतलब क्या है यहाँ पर आपका ट इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मतलब क्या है सर जैसा मान लीजिए अगर आप लोन दे रहे हो ई तो वो फ्यूचर में पे करने वाली अमाउंट है बट उसकी आज की वैल्यू क्या होगी वो कैसे निकालोगे वो निकालोगे विद प्रेजेंट वैल्यू राइट बट right? याद रखना वही सेम पी है की एक बार का अमाउंट एक बार यानी कि अमाउंट एक बार यूज करना हो बट जब एन आ जाएंगे एक अमाउंट एक आप बार बार यूज कर रहे हो जैसे हमने फ्यूचर में देखा था वैसे प्रेजेंट में ठीक है एग्जाम्पल लेते हैं जैसे इसका। जैसे मान लीजिए तो देखिए जैसे एग्ज़ाम्पल है इसका जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी भी वैल्यू की अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे लाइक व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज़ फिफ्टी थाउजेंड ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड एंड दैट वुड बी पेबल आफ्टर थ्री इयर्स ठीक है पेबल थ्री इयर्स पेबल थ्री इयर्स

यानी कि ये क्या आपकी फ्यूचर वैल्यू है आपकी आपको क्या निकालना है आज के वैल्यू दैट यू यूनिट टू कम्स टू प्रेजेंट वैल्यू ठीक है तो किस तरह निकालेंगे देखिए आपको इस, इसके लिए क्या करना है आपको वन यानी कि कैलकुलेटर में वन प्रेस करोगे डिवाइडेड बाय देखिए रिटिफेंट कहें टेन परसेंट है तो क्या करना है आपको वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन वन डिवाइड बाय वन पॉइंट वन राइट सर अगर ये बारह परसेंट हो तो क्या करते हैं? हम करते वन पॉइंट वन टू फिफ्टीन परसेंट होता तो वन पॉइंट जीरो नाइन पर यहाँ पर टेन परसेंट हो तो क्या करना है अब क्या करना है आपको इक्वल टू प्रेस करना है थ्री ईयर्स है तो तीन साल तक आपको क्या करना है इक्वल टू प्रेस करना है ठीक है वन टू थ्री वन two and three, so that means आपके हाथ में जो value आएगी calculator में कितनी आएगी point seven five one three, right? so that means अब आप आपको क्या करना है value को यानी कि fifty thousand को multiply करना है point seven five one three, तो जब आप मंटीप्लाई करोगे तो आपके हाथ में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी दैट इज थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स सो दैट मीन्स अगर आप ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज थर्टी सेवन फाइव सिक्सटी सिक्स एंड दैट मीन्स इफ यू इन्वेस्ट दिस मच अमाउंट फॉर थ्री ईयर्स एज पर दिस मच इंटरेस्ट सो यू विल गेट फिफ्टी थाउजेंड अब देखो आप इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हो जो आपने ऊपर करा था अमाउंट आपका आंसर क्या पचास हज़ार आएगा बट यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको दा दिया क्या करना है आपको देखिए फर्स्ट आपको क्या करना है वन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट जितना इंटरेस्ट है क्वे टू तो कितने कर? जितने साल के लिए आप निकाल रहे हो चार बार तो चार बार इक्वेस्ट टू तो प्रेस करना है फाइव ईयर्स तो फाइव टाइम इक्वेज टू तो प्रेस करना है राइट तो देखिए ये है आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये इजी है आपका काफी चलिए ना कमिंग टू प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर इसके लिए देखिए मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लूँ सपोज ये हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर की जैसे मान लीजिए लाइक यू हैव टेकन अ हाउस लोन Of rupees, suppose one crore. House loan of rupees one crore, right? And suppose the rate of interest is going on, going on. Suppose eleven percent. I'm just taking an a uh, hypothetical example. And uh, you have taken loan for fifteen years. Now, uh, like what would be the amount of uh, repayment? Annual. you have a talking about annual. एनुअल इंस्टॉलमेंट आपको ये निकालनी है एनुअल इंस्टॉलमेंट ठीक है तो देखिए आपने एक करोड़ का आज लोन लिया तो सर दैट मीन्स यू आर गोइंग टू पे दिस मच अमाउंट इन फ्यूचर ये आपकी क्या है फ्यूचर वैल्यू है ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपका टाइम है ठीक है तो क्या करना है आपको <laughs> देखिए आप जो भी अमाउंट पे कर रहे हो वो आप हर साल पे करोगे तो क्या क्या है एन्यूटी बढ़ा जाएगा यहाँ पर एनडी बढ़ा जाएगा तो क्या करना है आपको देखिए स्टेप वही होगा 1 वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन वन क्योंकि इलेवन परसेंट है वन पॉइंट वन वन अब कितना इयर्स यह है यहाँ पर फिफ्टीन ईयर्स है सो दैट मीन्स नीड टू प्रेस फिफ्टीन टाइम्स इक्व टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन 13 14 फिफ्टीन सो वन डिवाइड बाई वन पॉइंट वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन इसके बाद आपकी कैप्यूटर वैल्यू आएगी पॉइंट टू थ्री नाइन इसका आपको कुछ नहीं करना आपको प्रेस करना है जी टी तो जी टी प्रेस करने के बाद यानी कि जी टी प्रेस करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सेवन पॉइंट सिक्स जीरो सिक्स वन सेवन पॉइंट सिक्स जीरो सिक्स वन ठीक है अब देखिए यहां से आपका देखिए इम्पोर्टेंट स्टेप आ जाते हैं इसको करने के बाद आपको क्या करना है प्रेस करना है मेमोरी प्लस मेमोरी प्लस बस आपको मेमोरी प्लस ऐड करना है जैसे आप मेमोरी प्लस करोगे ना तो देखिए ऊपर ना लिखा आ जाएगा जैसे यहाँ पर ना एम वन जी टी ये लिखा जाएगा मेमोरी प्रेस करने के बाद अब मेमोरी प्रेस करने के बाद क्या करना है कितना अमाउंट आपको पे करना है दैट मीन्स वन करोड़ सो वन करोड़ आप प्रेस कीजिए और उसको डिवाइड करना है किससे इस वैल्यू से कैसे करेंगे सर इसको डिवाइड करने के लिए आप करोगे प्रेस करोगे मेमोरी रिकॉल मेमोरी रिकॉल ठीक है जब आप मेमोरी रिकॉल प्रेस करोगे Uh, just a minute. आपके जो हाथ में वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी दैट इज थर्टीन लैख नाइनटी थाउजेंड सिक्स फाइव टू फोर ये वैल्यू आपके है ठीक है ये पॉइंट आया वहाँ पर राइट सो दैट मीन्स थर्टीन लैख नाइनटी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी टू यह आपके हाथ में वैल्यू है राइट सो देखिए आपका क्या करना देखिए जब एन्यूटी बढ़ा है दैट मीन्स एक वैल्यू जो आपकी रिपीट हो रही है दैट इज कॉल्ड एन्यूटी ठीक है सो आप देखो इजी कैलकुलेट कर सकते हो अब आपको ई एम निकालनी है यानी कि इक्वल मंथली स्टोम निकालनी है अगर मंथली करना है तो क्या करना है सिम्पली डिवाइड बाई दैट्स इट ठीक है so, सो देखिए यहाँ पर आपको ईजी कै सकते हो कि ई एम आई कितना जाएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग जब अपनी जो है डिसीजन ले सकते हो फ्यूचर में कि आपको कितना अमाउंट पे करना है ऐसे आप इन्वेस्टमेंट के पर पर्पज से आप देख सकते हो कि आपकी फ्यूचर वैल्यू क्या आएगी और राइट सो दिस इज़ द वे ऑफ कैलकुलेटिंग दी ऑल टाइप्स ऑफ टाइम वैल्यू मनी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपको क्या करना है बस आपको ये सब स्टेप्स को आपको एक बार याद करना है देखिए बहुत ईजी है आपको ये कुछ नहीं करना एक दो बार आपको प्रैक्टिस करेंगे आपका हाथ बढ़ जाएगा और राइट सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल थैंक यू